नमस्कार, धर्म अध्यात्म योग और गंगा की नगरी काशी में आपका स्वागत है। सांस्कृतिक नवजागरण की एक पटकथा लिखी जा रही है काशी में, काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम वास्तव में रूप है काशी से कांची तक पौराणिक रूप से पसरी हुई हमारी तमाम सारी प्राचीन अवधारणाओं का। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। तमिल भाषा का साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। ये मान्यता है भगवान शिव के मुंह से जो दो भाषाएं निकली उनमें तमिल और संस्कृत समान रूप से एक साथ निकल करके अपनी समृद्ध साहित्य के लिए जानी जाती है। समस्त भारतीय भाषाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है। यह समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का स्रोत रहा है जो समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। ओम शिवोऽहं, ओम शिवोऽहं, रुद्रनामं भजेऽहं। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की प्राचीन विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों विद्वानों के बीच अकादमिक आदान प्रदान, सेमिनार, चर्चा आदि आयोजित किए जाएंगे, जहां दोनों के बीच संबंधों और साझा मूल्यों को आगे लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और संस्कृति की हिंदू परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की एक समझ विकसित करना और इस क्षेत्र में लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना है। तमिलनाडु का और काशी का जो हजारों सालों से जो संबंध है, इस संबंध को समझना, सुदृढ़ करना और ये दोनों में, दोनों के जनजीवन में और साहित्य में, वांग्मय में जो समान भाव है उसको समझना और नजदीक आना, ये इसका उद्देश्य है। तमिलनाडु से आए समूह काशी की ऐतिहासिक महत्ता को समझेंगे। तमिलनाडु की विभिन्न सांस्कृतिक टोली काशी में अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ ही छोटे व्यवसायी काशी में अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे ले जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की समग्र रूपरेखा के साथ आयोजित होने वाले प्राचीन भारत और समकालीन पीढ़ी के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। एक दृष्टि से यह बहुभाषाओं का एक संगम है, विशेषतः काशी तमिलनाडु और काशी का संगम है। काशी समागम ज्ञान, संस्कृत और विरासत के हिंदू प्राचीन केंद्रों के बीच की कड़ी को फिर से जोड़ेगा। काशी तमिल संगमम अभियान के विभिन्न पहलुओं, साहित्य, प्राचीन ग्रंथों, दर्शन, आध्यात्मिकता, संगीत, नृत्य, नाटक, योग, आयुर्वेद, हथकरघा, हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक नवाचार, व्यापारिक आदान प्रदान, एकजुट एवं अगली पीढ़ी की
अन्य प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर भी केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हजारों हजारों वर्षों की हमारी भारतीय संस्कृति के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्र छुपे होते हैं। उत्तर का अवतारवाद और दक्षिण का आचार्यवाद, केरल के कालड़ी से आचार्य शंकर का काशी आना और चांडाल के द्वारा अद्वैत के सिद्धांत को पूर्ण करना उत्तर से दक्षिण तक को जोड़ने की एक विशिष्ट योग्यता थी। यह सिर्फ काशी और तमिलनाडु का संबंध नहीं है, ये संस्कृत और तमिल का भी संगम है। काशी और तमिलनाडु का यह संगम इस राष्ट्र की अवधारणा को इस कदर मजबूत करेगा कि भगवत पाठ शंकराचार्य केरल के कालड़ी में पैदा होते हैं, लेकिन उनकी दिव्य और भव्य मूर्ति सुदूर उत्तर के केदारनाथ धाम में लगाई जाती है। शंभो, शंभो, और ये मुझे लगता है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक भारत का पुनर्जागरण हो रहा है। शंभो, शंभो, भगवान विश्वेश्वरनाथ से रामेश्वरम के रिश्ते यूं ही प्राचीन नहीं हैं। ये रिश्ते इतने प्रगाढ़ हैं कि आज भी रामेश्वरम की मिट्टी के बने शिवलिंग काशी के घाटों पर पूजे जाते हैं। ये परंपराओं में है और एक ऐसी परंपरा जो हमेशा काशी और कांची को एक बनाए रखती है। भगवान विश्वेश्वरनाथ से रामेश्वरम तक की यात्रा भले ही आज नजदीक दिखाई देने लगी हो, लेकिन साधनों के अभाव में एक समय ऐसा था जब लोग पैदल ही यात्राएं किया करते थे, लेकिन इसके पीछे एक कठोर मान्यता और आस्था थी। सनातन धर्मावलंबी कार्यों को तभी पूर्ण कर सकता है जब वो रामेश्वरम की मिट्टी से काशी के गंगा तट पर शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करे, उसे माँ गंगा में प्रवाहित करे और उसके बाद गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में भगवान शिव का जलाभिषेक करे। यह मान्यता कितनी पुरानी है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसी उत्साह और उसके साथ आज भी पूरे तौर पर लोगों के बीच दिखाई देती है। यहाँ पर तमिलनाडु से आया धार्मिक समूह आज उसी अनुष्ठान में तल्लीन है। रामेश्वरम की मिट्टी से यहाँ पर गंगा के तट पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बनाया गया है जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है। पूजन के बाद इसे गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। सबकी मंगल कामनाओं के आशीर्वाद के साथ माँ गंगा से जल भरकर उसे रामेश्वरम ले जाया जाएगा। இப்ப நம்ம இந்தியா கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குற இந்த விஷயத்துல ட்ரெயினும் சரி பிளைட்டும் சரி இங்க பூஜையும் சரி இங்க எங்களுக்கு கங்கா ஆர்த்தியும் சரி ரொம்ப சிறப்பா எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறாங்க அச்சா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ்மே ஜோ வாசி மிட்டி லேக்கே ஆக இதர் சிவலிங் பனாதா शिवलिंग बना के इधर पूजा करता है, इधर पूजा करने के बाद वो मिट्टी के लेके जाके गंगा में उसको मिला देता है। ये इधर का अभी पूजा चल रहा है। अभी इधर का जो गंगा जल है यहाँ से लेके जाएगा उधर रामेश्वरम में लेके जाके उसको उधर जाके उधर जो पुजारी के पास देने से उन लोग क्या करेगा उधर को उसको अभिषेक करेगा। अभिषेक करने के बाद उधर हम लोग फिर रामेश्वरम जाएगा। यहाँ से जाने के बाद ये एक हफ्ते के अंदर अंदर रामेश्वरम भी जाएगा हम लोग। जो रामेश्वरम जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये जो यात्रा है। उत्तर और दक्षिण की आस्था की वही डोर है जो हजारों वर्षों से उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम को एक रूप भारत के रूप में दर्शाती है। मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, काशी है, कावेरी है, भगवान विश्वनाथ है, भगवान रामेश्वरम है। उनकी आस्था ही उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का मिलन कराती रही है। दोनों संस्कृतियों का यही मिलन का मूर्त रूप है काशी तमिल संगम, जिसको लेकर
लोग उत्साहित हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। देश में उत्तर और दक्षिण का जुड़ाव अत्यंत प्राचीन काल से रहा है। लगभग 2000 साल पहले से ही कांची से काशी की यात्रा होती रही है और यही कारण है कि दक्षिण के मन में पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से रची बसी काशी आज भी परंपरा के रूप में दोनों दिशाओं को जोड़े हुए है। काशी और कांची का रिश्ता पौराणिक है। यह प्राचीन काल से ही कांची, चाहे तमिलनाडु हो चाहे दक्षिण भारत हो, काशी हमेशा अपने से, अपनी संस्कृति से इन सबको जोड़े रखी है। अब जबकि तमिल समागम हो रहा है, बड़ी संख्या में वहाँ से विभिन्न प्रकार से लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ यहाँ पर कुछ तमिलनाडु से आए हुए श्रद्धालु हैं। मोदी जी कब आएंगे इधर से? साउथ पीपल, नॉर्थ पीपल फॉर कनेक्टिंग फॉर आर कल्चरल्स एंड एवरीथिंग, सो ही डूइंग वेरी वेरी वेल, सो वी आर आल्सो एनकरेज दैट। गंगा के तट पर अगले एक महीने तक तमिल संस्कृति से ओतप्रोत होंगे काशी के घाट। एक महीने तक चलने वाले तमिल समागम में जो श्रद्धालु आते थे वो एक अलग किस्म का प्लेटफॉर्म पाएंगे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के साथ जो संबद्धता रही है उसको प्रदर्शित करने का। हाँ, वील टेक द होली वाटर फ्रॉम काशी एंड वील वंस वी गो टू रामेश्वरम वील गिव द वाटर टू द पंडित ओवर देयर, दे विल डू द अभिषेक फॉर लॉर्ड शिवा इन रामेश्वरम। क्या कुछ कहेंगे ये आयोजन जो चल रहा है और काशी? पहले तो हम तो मोदी जी को शुक्रिया देना है, थैंक्स बोलना है कि यहाँ तमिल संगम को शुरू किया है। यह तो यह कनेक्टिविटी बना है तमिलनाडु और नॉर्थ इंडियन के लिए, पहले उसको मौका मिलेगा। மோட்சம் கிடைக்கும் எனக்கு, சிவனை நம்பி கங்கால செஞ்ச பாவெல்லாம் என்னை விட்டு போகும்னு இங்கே வந்திருக்கோம். எங்கள் குடும்பத்துக்கே எங்கள் மூதாதை எல்லாருக்குமே திதி கொடுத்துட்டு என்னோட பாவம், எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லா பாவம் போகணும், நாங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி இங்கே வந்திருக்கோம், பெருங்க கொடுக்க வந்திருக்கோம். உன்னே போல கே ஹமாரே பூர் ஜென்ம பூர்வ ஜென்மக்கே ஜோ ஜோ பனே உன்கோ புண்ணியம் மிலேகா யஹா யஹா அபிஷேக் கர்னே சே। காசி ஹிந்து விஸ்வவித்யாலய கே பரிசர் மே காசி தமிழ் சங்கமம் एक अभूतपूर्व आयोजन के रूप में है। पूरे परिसर में पसरा हुआ है दक्षिण भारत और उत्तर भारत का विविध रूप। हम लोगों ने यहाँ देखा पूरा मिक्सअप था, यहाँ पे कल्चर पूरा इंडिया को यहाँ पे छोटे एरिया में दिखाया गया है, स्मॉल एरिया में पूरे इंडिया को दिखाया गया है। बहुत अच्छा इवेंट क्रिएट किया है जिससे हमारे ये बच्चे देख पा रहे हैं कि कैसे, अभी तक इन लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि हैंडलूम्स, अब वो उन्होंने लाइव देखा वहाँ पे कि किस तरीके से हैंडलूम है, किस तरीके से सारे वीविंग्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, इधर ये सिल्क है या कॉटन है, फिर यहाँ हम जो लेके आए इस स्टॉल पे बच्चों को, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से इंग्रेविंग्स हो रही है, वुडन इंग्रेविंग्स हो रहे हैं और सुंदर से ब्यूटीफुली ये बनाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं तमिल कल्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये हमारे बच्चों के लिए वी थिंक इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर चिल्ड्रन। कोई संस्कृति तभी समृद्ध होती है जब उसका अपना साहित्य होता है, और ये संस्कृतियाँ जब विभिन्न भाषाओं में होती हैं तो निश्चित रूप से उनके एकीकरण का रूप जो होता है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का होता है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बहुलवादी, बहुल भाषावादी देश में संस्कृति एक है, भाषाएँ अनेक हैं, लेकिन विचार, साहित्य, सारा कुछ मर्म एक है। इस स्टॉल के माध्यम से हम बच्चों के प्रति, बच्चों को स्कॉलर्स को, टीचर्स को, हम भारतीय भाषाओं में विभिन्न प्रकार के जो एकेडमिक डिसिप्लिन हैं उनमें सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तमाम प्रकार की किताबें शेड्यूल्ड एज वेल एज नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज दोनों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम अपनी भारत सरकार के तहत जो विभिन्न प्रकार की रिसर्च परियोजनाएँ चलती हैं उनका भी हम एक पोस्टर्स के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से एक विस्तार पूर्वक उनका वर्णन दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों में, स्कॉलर्स में और आम पब्लिक में भी जो भाषा प्रौद्योगिकी है, जो परीक्षण व मूल्यांकन की पद्धतियां हैं, अनुवाद है, जो भारतीय संस्कृति तथा परंपरा है उसके प्रति भी एक रुचि जागृत हो सके। जी हाँ, उनको
आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तमिल भाषा है, हिंदी, इंग्लिश आदि हमारे पूर्व भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, जिसको हमको पढ़ के आइंस्टाइन इन लोग के बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो समारोह मेन बच्चों को हर भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कराना है, तो यहाँ पर आके बहुत हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के बुक भी हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के स्कूल की तरफ से यहाँ पे लाया गया है हम लोग को ये सब दिखाने के लिए। काशी तमिल संगम में केंद्रीय संचार ब्यूरो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनके स्टॉल पर अतीत के उन तमाम महान योद्धाओं, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं और इसके साथ ही देश की जो हमारी राजनीतिक संस्कृति रही है, सांस्कृतिक इतिहास रहा है, जो हमारी विरासत रही है, उसको भी प्रदर्शित किया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा काशी तमिल संगमम में एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो देश को स्वतंत्रता मिली उसका चरणबद्ध तरीके से इतिहास सचित्र वर्णित किया है। साथ ही साथ तमिलनाडु के लोगों का इस देश के सिनेमा में जो योगदान है उसको भी प्रदर्शित करने के लिए हमने महत्वपूर्ण अभिनेता और अभिनेत्रियों को यहाँ पे बैकलिट पैनल्स लगाए हैं, जो यहाँ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए आकर्षक लग रहा है, लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काशी का जो भी विकास हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विसेज में, उसको लेकर को भी हमने यहाँ पे पैनल्स लगाए हैं, उसका भी यहाँ पे सचित्र रूप से वर्णन किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे मंत्रालय के द्वारा न्यू इंडिया समाचार, 8 साल सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण को लेकर के जो कार्य किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे संबंधित प्रचार साहित्य का भी हम यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। साहित्य संस्कृत का वाहक होता है और साहित्य की भूमिका यह होती है कि वो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक और बाकी भविष्य तक आने वाली पीढ़ियों को प्राचीनता की भी, वर्तमान की भी और आगे आने वाले समय की सबका बोध कराता है। इसीलिए साहित्य का सदैव महत्व रहा है और इस काशी तमिल संगमम में इसीलिए साहित्य को जो है प्रदर्शित किया गया है। कि आकांक्षा जी, ये पुस्तक न्यास जो आपने लगाया है, स्टॉल जो लगाया है, क्या उद्देश्य है इसका और क्या कुछ इस स्टॉल के माध्यम से काशी में आप लोगों को बताना चाहते हैं? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का वैसे उद्देश्य रीडिंग को प्रमोट करना है और हम किताबें भी पब्लिश करते हैं, और यहाँ आने का मकसद हमारा यही है कि हम इस मकसद से आए हैं कि साझे ज्ञान और साझी परंपरा काशी तमिल संगम की एक उनका कल्चर, संस्कृति एक इम्पार्ट कर पाए लोगों पे, और किताबों के थ्रू और कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो हमारे स्टॉल पे आपको कई तरीके की किताब मिलेगी। हमारे पास तो पहले तो एक कलेक्टिव एग्जिबिट है, ठीक है, जहाँ पे काशी तमिल संगमम की हेरिटेज के बारे में आपको किताबें मिलेगी। हमारे पास इंडिया 875 की सीरीज़ भी आपको मिलेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ट्रांसलेशन सीरीज़ हैं वो भी आपको मिलेगी, ऑल इन ऑल ट्रांसलेशन, और नेशनल एक भारत श्रेष्ठ भारत की के उद्देश्य के अंडर आपको यहाँ पे सारी ट्रांसलेशन अवेलेबल होंगी। क्या ये जो साहित्य का आदान प्रदान होने के लिए ये सारी पुस्तकें लगी हैं? क्या बहुत कुछ, जैसे अभी बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे लगे हैं, बुक में भी हैं बहुत कुछ। हमें तमिल के लोगों का, जैसे अब हम लोग अपने इधर पूर्वी भारत का इधर का सब कुछ हम लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या योगदान हर जगह दिया है, तो बहुत चीज़ें यहाँ इस स्टॉल से, यहाँ पे बुक से देख के भी पता चला है, और बहुत आगे जो स्टॉल लगे हुए हैं लोगों का, तो उससे भी पता चल रहा है कि और लोगों का, दक्षिण भारतीय लोगों में किसका क्या क्या योगदान किस जगह पे रहा है, ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चल रही है। शिक्षा और ज्ञान संस्कृत का वाहक होती है और यही कारण है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय ने न केवल तमिल और काशी की प्राचीन संस्कृत को, मध्यम पढ़ी संस्कृत को उकेरने की कोशिश की है, बल्कि वहां के अनेक विद्वानों को काशी ले आकर काशी के विद्वानों से मिलाया भी है।
इसी प्रांगण में काशी तमिल संगमम 100 साल पहले से ही शुरू हो गया था। ये भारत की गौरव विशेष परिचय जिसका देश में है, जिनका देश में है, आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी का ये विचार स्थल रहा। कम उम्र में अपने बुआ जी के घर में यहाँ वो आ गए थे, यहीं उनकी शैशव बीता है। इसी काशी की प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। माँ सरस्वती की वरदान इसी मंदिर की प्रांगण में माँ गंगा जी के किनारे उनको प्राप्त हुई, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। हमारी सभ्यता में तमिलनाडु और काशी की अनन्य संपर्क है, उसी को आगे लेते हुए भारती भी यहाँ आए थे। उस समय में देश की जो हालात था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, देश में अनेक चुनौती था, उस माहौल में देश कैसे एक हो, देश में एकता कैसे बने रहे, स्वतंत्रता कैसे आए, भारती जी ने अपने साहित्य के माध्यम से उसको प्रकट भी किया है। इसी प्रांगण में पूज्य मालवीय जी भी आए थे, ज्ञान की आदान प्रदान हुई थी। यही तो संगमम था जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी काशी तमिल संगमम पुनः आयोजित करके सुब्रमण्यम भारती जी को सही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे तो भारतीय रेल पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जोड़ने का काम करती है, यात्रियों को ले आती है और पहुंचाती है, लेकिन अब की सांस्कृतिक यात्रा की भी जिम्मेदारी भारतीय रेल पर है। IRCTC के द्वारा रामेश्वरम से लेकर काशी तक यात्रियों को लाया जा रहा है, उन्हें प्रयागराज और अयोध्या के भी दर्शन करवाए जा रहे हैं, साथ ही उनकी यात्रा और रहने की अन्य सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। काशी तमिल समागम के लिए भारतीय रेल एक सेतु का काम कर रही है। जो इस सांस्कृतिक समागम में भाग लेना चाहते हैं, जो सिलेक्ट किए गए हैं, उनको रामेश्वरम से काशी तक पहुंचाना, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक उनकी धार्मिक यात्रा करवाना और साथ में उन्हें घर तक वापस पहुंचाना, ये जिम्मेदारी है भारतीय रेल और IRCTC की। इस वक्त इस पूरे कार्यक्रम के नोडल अफसर अजीत सिन्हा हमारे साथ हैं, जानते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम भारतीय रेल IRCTC किस तरह से चला रही है। देखिए, ये काफ़ी व्यापक स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काशी और तमिल इस कल्चर को, इन कल्चर के बीच में जो समानता है उसको बेसिकली दिखाने के का एक मौका इसके माध्यम से दिया जा रहा है। IIT चेन्नई के माध्यम से कुल 2592 लोगों को चयनित किया गया है और ये लोग जो हैं समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं। A1 को उनका जब अराइवल होता है उसके बाद 2 दिन काशी की धरती पे उनका भ्रमण कराया जाता है और काशी में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जो यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को परिलक्षित करते हैं उनको देखने का मौका दिया जाता है। साथ ही गंगा आरती जो बनारस की एक पहचान है उसे क्रूज पे, जो अलकनंदा और मंदाकिनी क्रूज यहाँ पे है, उन क्रूज पे बेसिकली सवार होकर उस आरती का को देखने का मौका दिया जाता है। सुब्रमण्यम भारती जी का घर है जिसको कि म्यूजियम में तब्दील किया हुआ है उसे देखने का मौका मिलता है। शंकराचार्य का जो मठ है उसे देखने का मौका मिलता है और इसके साथ ही
आप जब दो दिन की यात्रा अपनी पूरी करते हैं बनारस में, इसके बाद आप प्रयागराज के लिए इस यात्रा में के माध्यम से पहुंचते हैं, फिर यात्रा आगे अयोध्या के लिए बढ़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के साथ बाकी जो मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी है, कनक भवन है, इनके दर्शन कराए जाते हैं और उसके बाद चौथे दिन रात्रि में उनकी यात्रा वापस हो जाती है। पहले समूह में छात्र लोग आए थे, छात्रों का प्रतिनिधित्व था। दूसरे समूह में आर्टिजन्स आ रहे हैं और इसी तरीके से अगले समूह में बिजनेसमैन आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे। उसके अगले समूहों में स्पिरिचुअल लोग आएंगे, जो टेंपल से जुड़े लोग हैं वो लोग आएंगे, और इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को अलग अलग समूहों में उनको यहाँ पे भेजा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो इंतजामात हैं इनके लिए, इनके रहने की अच्छी सुविधाएं होटलों में की गई है और खाने पीने के लिए इनकी अपनी संस्कृति और खान पान के हिसाब से खान पान इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। बेहतर सुविधाएं होती हैं उसके माध्यम से उनको पहुंचाते हैं वहाँ। काशी की जो संस्कृति है, इसके बीच जो पहचान है, इसके बीच जो संबंध है, उसको पुनर्स्थापित किया जा सके और बेहतर तरीके से जागृत किया जा सके। एक महीने तक काशी तमिल संगम जब अपनी ऊंचाइयों को छुएगा तो निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक नवजागरण की पटकथा लिखी जा चुकी होगी। हमारी नई पीढ़ी यह जान चुकी होगी कि अतीत की सांस्कृतिक विरासत हमारी कितनी गौरवपूर्ण थी, हम क्यों विश्वगुरु कहलाते थे। कैमरामैन अविनाश के साथ आशुतोष शुक्ला, DD News, वाराणसी।